टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चंस। जो भी प्रीवियस ईयर जेईई मेन्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्कशन देने वाला हूँ यहाँ पे। ये आपका क्लास बेसिक लेके इस पे रहेगा। 2019 में दो शिफ्ट आपके दो टाइम्स एग्जाम हुआ था उसका, और 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ जेईई वाला, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ये आइडिया लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है आपका उसमें आपसे किस तरीके के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी आपको कुछ क्वेश्चन दिखेगा क्वाड्रेटिक में, देखो तो अगर मैं बताना चाहूँ आपको, एक समरी देना चाहूँ कि क्वाड्रेटिक में किस किस से लिंक करके क्वेश्चन पूछते हैं। एक टाइप का आपका क्वेश्चन होता है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक से पूछे हो, सेकेंड हो सकता है कि वो लॉग से कनेक्ट करके कुछ पूछे, थर्ड टाइप का हो सकता है कि वो आपका इनइक्वालिटीज को इन्वॉल्व करके फिर क्वेश्चन पूछे, फोर्थ आपका हो सकता है कि वो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन कुछ जनरेट करवाना चाहे आपसे, कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हो और वहां से आपको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दे रहा हो और फिर आपको सॉल्व कर दे रहा है। उसके अलावा आपका क्या हो सकता है कि मान के चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक दोनों को मिक्सअप करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो जैसे 19 वाले क्वेश्चन वो काफी हद तक ईजी है, आप देखोगे 2020 वाला है ना उसमें क्या कर रखा है उन्होंने कि मिक्सअप कर रखा है कि या तो वो आपका क्वाड्रेटिक प्लस डिटर्मिनेंट या क्वाड्रेटिक प्लस मैट्रिक्स या फिर क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स या क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिगो या फिर क्वाड्रेटिक प्लस इनइक्वालिटीज, इनका रिलेशन मतलब इन दोनों को मिक्सअप करके, ऐसे दो दो को मिक्स करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो बहुत ही बेसिक सा रहता है, जब भी वो क्वाड्रेटिक को किसी दूसरे चैप्टर के साथ मर्ज करता है ना तो आपसे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी वो क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि हाई फाई आपसे उधर से कॉन्सेप्ट उठा रहा है और यहाँ से भी हाई फाई, है ना, ऐसा नहीं, बहुत बेसिक सा रहता है। तो अगर थोड़ा भी आपको बेसिक आइडिया है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे। तो उसी के लिए देखो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, आई थिंक ये आपको हेल्प करेंगे आपको आइडेंटिफाई करने में कि मेरे को किस टाइप से क्वेश्चन जब आए मेरे सामने तो मेरे को कैसे थॉट देना, उसके लिए कैसे क्या मेरा थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज योर थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपका 2019 में जो पहला से जो फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था जनवरी में, है ना, उसके एक क्वेश्चन उठाए मैंने। तो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट डे का है, तो आई थिंक ये 2019 का क्वेश्चन है। आई थिंक ये फर्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट है, फर्स्ट डे मॉर्निंग शिफ्ट में आया होगा ये, और ये 2019 का ये भी है और ये इवनिंग में आया हुआ है सेम डे। तो आई थिंक 9th को एग्जाम था आपका, तो 9th को मॉर्निंग को ये आया था, 9th को इवनिंग को इवनिंग शिफ्ट में ये था आपका, ठीक है। चलिए अब बेसिक से वो स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन आपका थोड़ो होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैंने एकदम क्रिस्प में आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना और हो जाएगा ना। थोड़ो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ ताकि आप लोगों का बेसिक से वो बिल्ड हो। बेसिकली जेईई मेंस में आपका बेसिक ही चेक करता है, अगर आपको उसका अच्छे से नॉलेज है तो आप इजीली क्वेश्चन बना पाओगे। और ये आप देखोगे कि थ्रू आउट इस वीडियो लेक्चर में कि जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्पेशली, वो आप सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, वो आपको हेल्प करेगा इसमें। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा की टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट है आपके अल्फा एंड बीटा, और एक रिलेशन बोल रहे हैं कि अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 आपका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अल्फा एंड बीटा क्या होगा, ठीक है। तो यहां से देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या हो सकते हैं, लगा सकता हूं क्या आएगा मेरा, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस दिस विल बिकम 8 अपॉन 2। सो जब आप इसको सोल्व करोगे दिस विल बिकम माइनस टू प्लस माइनस दिस विल बिकम 2 आयोटा बाई 2, ठीक है। आयोटा क्यों लगाया मैंने, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा आपका नेगेटिव में आएगा, 4 माइनस 8 विल बिकम माइनस 4, और जब भी आपका स्क्वायर रूट में नंबर नेगेटिव आता है दैट बिकम्स योर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं आयोटा, ठीक है। तो 2 आएगा, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। अब उसने बोला है कि दो रूट उसके अल्फा एंड बीटा है, तो किसी एक को अल्फा मान लो किसी एक को बीटा मान लो, ठीक है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये आपकी मर्जी है। लेट्स से अल्फा मैंने इसको मान लिया एंड बीटा से मैं इसको मान लेता हूं, ये आपके अल्फा एंड बीटा आ गए, ठीक है। तो यहां तक आपने रूट फाइंड आउट कर दिया,
अब इस रिलेशन को आपको ऑब्जर्व करना देखो, यहाँ पे बोल रहा है वो अल्फा की पावर 15 है और बीटा की भी पावर 15 दे रखा है, तो आपको 15 तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या अप्रोच हो सकती है, आप करने बैठ के कि अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा मैं तो मेरा कुछ आएगा, फिर उसका स्क्वायर करूंगा, फिर उसका क्यूब करूंगा ना, ऐसे करता चलूंगा मैं तो मेरा अल्फा के बाद 15 तक पहुंचूंगा। ये आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा। सोच के देखिए कि अल्फा की पावर 15 है तो अल्फा तो मेरा ये आ रहा है, बट अगर एक एक स्टेप अगर आपका आपका पहुंच जाओ आ गया ना, जैसे आपने प्रैक्टिस भी कर रखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन की, अल्फा है इसका मैं स्क्वायर करूं, अल्फा स्क्वायर मेरा क्या बन सकता है, देखिए अल्फा स्क्वायर विल बिकम -1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब जब इसको आप ओपन करोगे दिस विल बिकम -1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, मैं लिख देता हूं अभी, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसके लिए मैं याद लिख रहा हूं -2 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है। आयोटा आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1, आयोटा क्यूब विल बिकम -आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 विल बिकम 1। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है जिसका यहाँ पे आपका थोड़ा सा यूज हो रहा है ना। तो यहाँ से आप क्या बनाओगे, देखो 1 आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1 एंड -2 आयोटा, सो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आ रहा है -2 आयोटा, किसका अल्फा स्क्वायर का, ठीक है। सिमिलरली बीटा स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका देखो क्या बनेगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 1, अब आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1 एंड ये दोनों ही नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा +2 आयोटा, सो दिस विल बिकम 1 -2 आयोटा। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां से एक आपको इसके लिए क्लू मिल सकता है। देखिए कैसे, अल्फा की पावर 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर उसकी पावर 7, सो दिस विल बिकम 2 × 7 14, अल्फा की पावर 14 बन गया, मेरे को कितना बनाना है 15, साथ में अल्फा नोट रख दिया, ठीक है। तो ये मेरा कैलकुलेशन को इजी बना देगा, ठीक है। कैसे, इसका वैल्यू कितना है अल्फा का वैल्यू -2 आयोटा, सो मैं इसका वैल्यू रख देता हूँ -2 आयोटा उसकी पावर 7 और साथ में अल्फा का वैल्यू क्या आया था आपका -1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखो नेगेटिव है और पावर ओड है, दैट मींस बाहर क्या आएगा आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 2 to the power 7 दैट विल बिकम, ठीक है। और यहां से देखो आयोटा की पावर क्या आएगा 7 आएगा, तो वो साथ में लिख दो और यहां से ये रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे एक आई थिंक ये आपको बताना जरूरी समझ रहा हूं, रिलेशन है कुछ, देखो आयोटा स्क्वायर में लिख देता हूं क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है आपका आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 आपका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। एक तो ये रिलेशन आप याद रखो, सेकंड देखो क्या है, आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 है वो आपका 1 होता है, ठीक है। तो आयोटा की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 3, ठीक है। तो यहां से देखो क्या मिलेगा आपको, दिस विल बिकम 1 और आयोटा क्यूब विल बिकम माइनस आयोटा, सो ओवरऑल आपको आयोटा की पावर 7 का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो वो आप वहां पे रख सकते हो, ठीक है। तो वही मैं आपको वहां पे करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे इसको अगर रखोगे तो आपका अल्फा की पावर 15 क्या मिल जाएगा -2 to the power 7 विल बिकम -1 to 8, ठीक है। ये आपका बन गया यहां पे माइनस आयोटा और ये आपका बन गया -1 प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, अब देखो क्या बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे -128, ठीक है। और ये आपका बनेगा माइनस बिकम पॉजिटिव आयोटा और आयोटा स्क्वायर बिकम -1 और ये -1 विल बिकम +1, सो ये आ गया आपका अल्फा की पावर 15। सिमिलरली मैं आपको बीटा की पावर 15 फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बीटा स्क्वायर की पावर 7 और बीटा, अब देखो बीटा स्क्वायर क्या बनेगा आपका 2 to the power 7 ही बनेगा, आयोटा की पावर 7 बनेगा और ये आपका है बीटा क्या था आपका -1 -आयोटा, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये बनेगा -1 आयोटा 2 to the power 7 128, ये देखो ये बनेगा आपका -1 आयोटा,
ठीक है, माइनस आयोटा और माइनस वन विल बिकम आयोटा, माइनस आयोटा विल बिकम प्लस, बट आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस वन। अब दोनों को ऐड करो, सो अल्फा टू दी पावर 15 प्लस बीटा टू दी पावर 15 क्या बन जाएगा आपका माइनस 128। सो एक काम करो 128 रखो और ये नेगेटिव इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस विल बिकम माइनस आयोटा माइनस वन प्लस बीटा 128 आयोटा माइनस वन। अब दोनों से देखो क्या कॉमन आएगा, 128 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा रह गया माइनस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा एंड माइनस वन, तो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, यू विल फाइंड दैट आयोटा टर्म विल बी कैंसिल आउट, सो माइनस वन विल बिकम माइनस टू, सो 128 इंटू माइनस टू यू विल गेट माइनस 156। सो माइनस 156 कौन सा ऑप्शन था आपका, सी ऑप्शन था, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि जो जिसको बिल्कुल बेसिक आइडिया नहीं है वो भी सीख सके, है ना। तो क्या यूज किया था इसने बेसिकली, कॉम्प्लेक्स का इन टर्म्स का अगर आपके बारे में पता है, फर्स्ट फोर टर्म्स के बारे में कि आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब और आयोटा के पावर 4 क्या होता है, तब आप इजीली इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो 19 में पूछा था ना, तो एचएस कुछ हार्ड नहीं था, बेसिक आइडिया है तो आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो जाएगा, मैंने स्लो करने की कोशिश की जान बूझ के। आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिए अभी क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है, ये टर्म देखना यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीग्रल, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल कंसिडर करते हैं, ना ही नेगेटिव कंसिडर करने हैं ना ही आपको इमेजिनरी कंसिडर करते हैं, और वैल्यूज ऑफ अल्फा 4 बीच द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन है आर रेशनल नंबर, रूट देखो क्या है यहाँ पे, रूट आपके रेशनल नंबर है। तो ये मैंने आपको मेरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि रूट रेशनल होने का मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। डी आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए डी बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है ना। तो फोर रेशनल रूट डी क्या होना चाहिए आपका, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या है आपका कि डी आपका क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या आना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर का बनता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है दैट मीन्स आपका क्या आ रहा है इंटीजर आना चाहिए ना कोई, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बिलोंग्स टू इंटीजर, उसका मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर होना, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होना चाहिए आपका इंटीजर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है या फिर दूसरा कंडीशन कंसीडर, मान के चलिए इंटीजर के अलावा मान के चलिए कि फ्रैक्शन में आपका आ रहा है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक नंबर पी मान लो, पी कैन बी एनी नंबर, उसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कंडीशन रखो यहाँ पे, बी स्क्वायर आपका क्या बनेगा 11 स्क्वायर 121 माइनस 4 ए सी, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 121 माइनस 24 अल्फा इज इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए आपका पी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और यहां से ये भी पी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ आना चाहिए, तो ये पी स्क्वायर एक्चुअल में क्या है आपका, ये बिलोंग्स टू इंटीजर ही है, ठीक है, आपका इंटीजर ही आना चाहिए, ठीक है, इस केस में। चलिए अब देखिए क्या होगा आपका कि अल्फा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो इस केस में आप रख के पुट करके रखो कि अल्फा इक्वल्स टू 1 आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 121 माइनस 74, ये आपका कितना बनेगा ओवरऑल 97। तो आपको इस नंबर को देखना है क्या 97 किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है, क्या ये ऐसा आ सकता है, किसी एक नंबर p का जब स्क्वायर करो तो क्या वो 97 आएगा, इसको ऐसे समझाओ, किसी एक नंबर p का स्क्वायर किया तो वो आपका 97 आएगा क्या, आप देखोगे ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 1 वाला तो केस रिजेक्ट हो गया, अल्फा इक्वल टू 2 वाला देखिए 1
माइनस 2 पुट करोगे तो दिस विल बिकम 48. 48 मतलब यहां से आपको फिर 24 रिड्यूस करना है. सो दिस विल बिकम 73. ठीक है, अब देखो फिर से क्या 73 किसी नंबर का जब स्क्वायर करो तो क्या वो 73 हो सकता है? मतलब ऐसे कोई इंटीजर का स्क्वायर करो जिसका नंबर 73 होगा क्या? नहीं हो पाएगा ना. तो यहां से ये भी रिजेक्ट हो गया. अल्फा इक्वल टू 3 पुट करके देखो अभी से. सो 121 माइनस दिस विल बिकम 72 है ना. सो यहां से आपको कितना मिलेगा? 28 प्लस 21 विल बिकम 49 इक्वल्स टू पी स्क्वायर. तो बताइए पी कोई एक ऐसा नंबर है क्या जिसका स्क्वायर करने पे 49 बने? आपको दिखेगा कि यहां पे अगर मैं पी इक्वल टू 7 रखूं तो मेरा उसका स्क्वायर 49 बन रहा है. दैट मींस आपको अल्फा इक्वल टू 3 लेना है. ठीक है, एक वैल्यू आ गया इसका. देखो पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव ही ले रहा हूं. पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला ही कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है, जीरो नेगेटिव वाला कंसीडर मैं नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो कंडीशन को अच्छे से देखना. अल्फा इक्वल टू 4 रख के देखिए तो क्या बनेगा? 121 माइनस दिस विल बिकम 96, तब आपको मिलेगा 25. क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल है क्या? तो यहां से आपको पी क्या दिखेगा? 5 दिखेगा. तो ये भी आपका कंसीडर होगा केस. सिमिलर वे में अल्फा इक्वल टू 5 आप पुट करोगे तो 121 माइनस दिस विल बिकम 121. क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल है क्या? तो आप क्या बोलोगे? p इक्वल्स टू 1 वाला केस कंसीडर हो सकता है. तो ये भी आपका कंसीडर होगा. अब जैसे ही आप अल्फा इक्वल टू 6 पुट करोगे आपका क्या बनेगा? 121 माइनस 144. ठीक है, ये आपका ओवरऑल क्या है? नेगेटिव. तो नेगेटिव क्या किसी के पी स्क्वायर के इक्वल हो सकता है? मतलब स्क्वायर नंबर है ना, स्क्वायर आपका हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहता है ना, स्क्वायर आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है. तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, तो ये हो ही नहीं सकता. तो आगे वाले सारे के सारे केस रिजेक्ट हो जाएंगे. तो देखिए कौन कौन सा केस आ गया आपका? अल्फा इक्वल टू 3, 4 और 5. कितनी ऐसी वैल्यूज है जो आपको सेटिस्फाई करेंगी? ऐसी टोटल कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है. कौन सा आंसर है? सी. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे. ठीक है, तो ये आपका इवनिंग सेशन पूछा गया था 2019. तो ये दो क्वेश्चन थे. अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और प्रोवाइड कर दूँ. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने और लिख दिए ना. अभी क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया थर्ड नंबर. क्वेश्चन नंबर ठीक है, तो ये वही सीरीज चल रही है 2019 में आए थे ये दोनों क्वेश्चन है. बट इस बार क्या हुआ कि ये आपका क्वेश्चन है 10th ऑफ मे से. ठीक है, टेंथ मॉर्निंग में और ये आपका 10th इवनिंग वाला है. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन होते हैं आपके. अब ये देखो ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे बना रहे. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अगर लोकेशनल रूट्स वाला वीडियो मेरा बहुत अच्छे से देखा आपने तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली. ठीक है, देखिए कैसे कंसीडर द इक्वेशन. आपको इक्वेशन दे रखी है सी कैन नॉट बी 5. ऐसे एक ऐसा सेट है जिसमें सारी की सारी क्या आ रही है? इंटीग्रल वैल्यू आ रही है. किसकी? सी की इंटीग्रल वैल्यू आ रही है. और विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0,2. ठीक है, देखो कंडीशन दे रखी है ना, पहले उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये आपका हो गया एक्सेस. पैराबोला मान के चलिए आपका ऐसे बन रहा है क्वाड्रेटिक का. लेट्स से ठीक है, एक रूट आपका अल्फा यहाँ मान लेते हैं, द सेकंड रूट बीटा आपका यहाँ पर. क्या बोल के रखा उसे देखो, बट आपने स्टैंडर्ड से क्या मान लिया कि बीटा अल्फा से बड़ा है. बट इस केस में देखो क्या बोल रहे हैं, वन रूट ऑफ इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0,2. पहला रूट आपका 0,2 में रहेगा. दैट मींस 0 इस साइड होगा और 2 आपका इस साइड होगा. अभी तो आप बोल पाओगे कि रूट अल्फा लाइज बिटवीन 0 और 2. ठीक है, ये तभी तो बनेगा. मान के चलिए 0 इस साइड आप रखते तो क्या अल्फा 0 और 2 के बीच होता? नहीं होता ना. ऐसे रूट को इधर रखते तभी नहीं होता. दैट मीन्स यही कंडीशन होगी. ये कौन सी कंडीशन होगी? अगर सिर्फ इस केस को आप देखना चाहो, अभी भूल जाओ एक बार बेटा को, सिर्फ ये देख के बता सकते हो आप. तो ये कौन सा केस है अपना कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 2 नंबर्स गिवन एंड गिवन. ये आपका गिवन बन गया और ये K2 बन गया. इनमें से आपका नंबर यहाँ पे अप्लाई कर रहा है.
अब देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2, 3। देखो ये आपका पूरा 3 कहां पे रहेगा, कि ये रूट इन दोनों नंबर के बीच लाई करें, 3 मस्ट बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ए बीटा। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, इस पूरे इक्वेशन का। ठीक है, अब इसको फिर देखो, अल्फा को भूल जाओ अभी, बीटा बीटा की किसके बीच लाई कर रहे हैं, 2, 3। That means, ये भी अपना कौन सा केस बन रहा है कि एक्जेक्टली वन रूट लाई बिटवीन टू नंबर A1 एंड A2। तो दोनों ही केस में क्या बन रहा है आपका, एक ही केस बन रहा है। तो क्या करोगे, दो बार वो कंडीशन अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कंडीशन कौन सी आती है, जब भी ऐसा केस आता है कि एक्जेक्टली वन रूट लाई बिटवीन टू नंबर A1 एंड A2, दैट मीन्स वो आपकी कंडीशन कौन सी बात कर रहा है, एफ ओ A1 एंड एफ ओ A2 मल्टीपल मस्ट बी लेस देन जीरो। ठीक है, कैसे, देखो जीरो पॉजिटिव है, टू नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया, टू नेगेटिव है बट थ्री पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीपल क्या होगा, नेगेटिव है। हर बार आपका यही एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये किसके लिए लगा दो, पहले रूट अल्फा के लिए लगा दो, फर्स्ट केस बन गया आपका। सेकेंड केस कोई कंडीशन बीटा के लिए लगा दो, सेकेंड कंडीशन बन गया। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो फोर अल्फा आपका केस बन रहा है। ठीक है, अल्फा के लिए अप्लाई करोगे क्या आएगा, एफ ओ K1 आपका क्या है, जीरो, जीरो बिल्कुल जीरो, K2 आपका क्या है, टू, ये आपका लेस देन जीरो है। कहां पे रखोगे, इसमें रखोगे, जब इसमें जीरो रखोगे तो देखो क्या बन गया, जीरो जीरो सिर्फ ये बचा C-4, सो यू विल गेट C-4। चलिए अब एफ ओ 2 से क्या आएगा, आपको देखो यहां पे 2 रखोगे, दिस विल बिकम 4, ये बन जाएगा 4 टाइम्स C-5 माइनस, यहाँ पे 2 रखोगे तो दिस विल बिकम 4C प्लस C-4, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। ठीक है, और देखो ये यहाँ से भी आप बता सकते हो कि अगर कोई दो नंबर है, उन दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो आपका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो, दैट मींस वो पैराबोला आपका एक्स एक्सिस उसको कट करेगा ना, ये कंडीशन रहेगी। यहाँ से आप देखो कैसे बना सकते हो, C-4, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 4C-20 माइनस 4C प्लस C-4 लेस देन 0, क्या कंडीशन मिल गई आपको यहाँ से, C-4, और ये देखो 4C कैंसिल आउट, C-74 लेस देन 0। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, यहाँ पे आपका 4 आएगा, यहाँ 24 आएगा। ठीक है, देखो कि दोनों का मल्टीपल देखो क्या आएगा, हाईएस्ट पावर C2 बनेगा, वो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको कौन सा लेना है, नेगेटिव रीजन इंक्लूड नहीं करना है, तो C का वैल्यू इस केस से क्या मिल गया आपको, C बिलोंग्स टू 4 to 24, ये आपका वन कंडीशन है, केस वन से आपका ये कंडीशन आ गया। ठीक है, चलिए फोर केस टू से देखते हैं अभी क्या आएगा आपका, केस टू में देखो क्या आएगा आपका, एफ ओ 2 और एफ ओ 3 का मल्टीपल आपका नेगेटिव आएगा, एफ ओ 2 आपका अभी कैलकुलेट किया आपने कितना है, C-24, एफ ओ 3 कितना आएगा, पुट करके देखिए 3 बनेगा 9, तो 9 C-5 माइनस 6C प्लस C-4 दिस मस्ट बी लेस देन 0। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे यू विल गेट C-24। अब देखो इसको देखो क्या बनेगा, 9C माइनस 6C विल बिकम 3C, 3C प्लस C 4C माइनस, देखो ये कितना बनेगा, 45 बनेगा, और ये बनेगा आपका 4, सो माइनस 49 बन जाएगा आपका लेस देन 0। अब यहां से देखो क्या क्या आ गया, रिप्रेजेंट अगर आप करना चाहो 49/4 इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग है ना, 12 × 4 48 होता है, तो यहाँ पे इस साइड आपका 49 आएगा, 49/4 और यहाँ आपका 24 आएगा। फिर देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, साइन कौन सा होगा, हाईएस्ट कोएफिशिएंट का पॉजिटिव, सो विल स्टार्ट विद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन है, नेगेटिव वाला, यू विल कंसीडर दिस। यहाँ से आप क्या बोलोगे, सी बिलोंग्स टू 49/4 to 24, ये आपका सेकेंड कंडीशन आ गया। अब इन दोनों को मर्ज करना है, इन दोनों को जब मर्ज करोगे तो एक लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपका क्या आएगा, देखो 4 आएगा, 49/4 आएगा, तो फिर 24 आएगा, ये
ये तो क्या बोलता है 4 to 24, दैट मीन्स ये वाला लिखा, और ये क्या बोलता है आपको, ये बोलता है 49 से 24। कौन सा रीजन कॉमन है दोनों में? ये रीजन कॉमन है, ठीक है। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, योर आंसर कौन सा हो जाएगा, 49 to 24। सो यू विल गेट सी बिलोंग्स टू 49/4 to 24, ठीक है। 49/4 देखो आपका क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 12 point something रहेगा, ठीक है। तो 12 point something रहेगा, आपको क्या बोला उसने, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, S में कितने एलिमेंट्स होंगे, किस टाइप के एलिमेंट लिखा हुआ होगा, देखो सेट ऑफ कोई इंटीगर वैल्यू। तो आपको क्या कंसिडर करना है, C की सिर्फ इंटीगर वैल्यू भी कंसिडर करनी है। तो मेरे को बताया 12 point something है, तो क्या 12 इंटीजर कंसिडर होगा आपका, नहीं, क्यों, उसके पीछे वाला रीजन कंसिडर ही नहीं हो रहा। 12 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 12 तो कंसिडर ही नहीं हो रहा, तो कौन सा इंटीजर कंसिडर होगा, नेक्स्ट वाला 13। तो सी का वैल्यू यहाँ से क्या क्या आएगा, 13, 14, कहाँ तक जाना है, 24 से पहले रुक जाना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, इतने आ जाएंगे आपके यहाँ तक। तो कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो C के कितने वैल्यू है टोटल, 11 इंटीगर वैल्यूज है, 11 इंटीगर वैल्यूज है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। S में कितने एलिमेंट्स है, 11 ऐसे एलिमेंट्स है जहां पे C आपका क्या ले रहा है, इंटीगर वैल्यू ले रहा है, तो आपका इस तरीके से आपका कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो अगर आपके लोकेशन ऑफ रूट्स का कंडीशन बहुत अच्छी समझ रखा है, मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल भी करवा रखे हैं, तो उस बेसिस पे आप इस सिचुएशन को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी अलग से करके दे दिया उसको, ठीक है, दो केस कंसिडर करने हैं, दोनों को मर्ज करके आपको आंसर बता देगा। ये वाला देखिए अभी, कि द वैल्यू ऑफ एम का सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द रूट्स आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ द रूट्स क्या रहेगा आपका, लेमडा स्क्वायर ऑफ द रूट्स विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का सम पूछा आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा लिख रहा है, यू विल फाइंड दैट अल्फा प्लस बीटा इज -3 - लेमडा बाई 1 विच इज इक्वल्स टू लेमडा माइनस। तो अल्फा बीटा कितना है आपका, c बाई ए, ठीक है। तो c बाई ए कितना होगा, देखो 2 इक्वल्स 2 लेमडा है ना, तो लेमडा को इधर लेके आ जाओ, ये इक्वेशन आपका एक्चुअल में इस टाइप का है, x स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा x प्लस 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो वहां से आपका देखो क्या आएगा, 2 माइनस लेमडा विल बी योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या बोलना है, लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने करते वक्त आपको क्या आएगा, क्या स्टेप होते हैं, कि इधर आई विल गो बाय द मैक्सिमम और मिनिमम, या फिर एक और अप्रोच होती है कि यहाँ से अगर मैं कुछ रिलेशन बनाऊँ जिससे मैं बता सकूँ कि इस रिलेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो उस बेसिस से आप जज कर सकते हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या मैं इस बात से लिख सकता हूँ, क्यों, देखो जब भी इसको मैं एक्सपेंड करूंगा दिस विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ना, जो मेरे को क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना, दोनों साइड इक्वालिटी का मतलब यहां पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इधर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो जब आप इसको ओपन करोगे ना और उसमें से -2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसलिए इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिखने से मेरे को बेनिफिट क्या मिला, देखो मेरे को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है और अल्फा बीटा का भी वैल्यू पता है, दोनों पुट कर दूंगा तो वहां से मेरा खुद से रिलेशन बन जाएगा। देखिए क्या बन सकता है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर दैट मींस लैम्डा माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 2 माइनस लैम्डा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, ठीक है, इतना बनेगा ये। अब यहाँ से इसको अगर आप कलेक्ट कर दो तो दिस विल बिकम लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा विल बिकम माइनस 4 लैम्डा एंड दिस विल बिकम प्लस 5, ठीक है। अब देखो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है,
एक अप्रोच है आपके पास कि मैक्सिमा और मिनिमा से फाइंड आउट कर दो, ठीक है, कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या रहेगा, ये जो रिलेशन आया इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसके रेस्पेक्ट में लेमडा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वहाँ से इसका ये जो भी है इसको कुछ मान लो ना, लेट से ये वाई क्या वाई कुछ भी आया, ठीक है, जैसे बता देता हूँ, लेट से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका क्या है वाई, ये आपका रिलेशन क्या बनेगा, y equals to lambda square minus 5 plus 5, ठीक है, अब क्या करोगे आप dy by d lambda करोगे, कितना बनेगा 2 lambda minus 4, इसको क्या करते हैं 0 करते हैं, वहां से आपको lambda का वैल्यू मिल जाएगा, you will get lambda equals to 2, ठीक है, अब d2y by dx करते हैं, ठीक है, d2y by d lambda square will become 2, 2 आ रहा है, that means क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो आपको क्या मिलता है, हमेशा मिनिमा मिलता है, मिनिमा मिलेगा किस पे, लेमडा इक्वल टू 2 पे मिनिमा मिलेगा, कब, जब लेमडा इक्वल टू 2 में मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा, that means लेमडा इक्वल टू 2 आप यहां पुट करो, you will get y का वैल्यू, so this will become 4 minus 8 plus 5 plus 4 9 माइनस 8 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक है, यह हुआ आपका एक अप्रोच। देखो सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है, आपके पास ये वाली इक्वेशन है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 है ना, अब मैंने क्या किया कि इसको एक क्वाड्रेटिक के टर्म में लिखने की कोशिश की, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव को मैंने क्या लिख दिया 4 प्लस 1, ठीक है, ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने से क्या होगा कि ये आपका क्या बन गया लैम्डा माइनस 2 स्क्वायर, देखो क्या बनेगा लैम्डा माइनस 2 स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, और एक प्लस 4 आ गया, तो लास्ट में आपका 1 रहेगा, ठीक है, अब ये पता है कि स्क्वायर हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जब ये जीरो बन जाए स्क्वायर वाला तो वन आएगा, अदरवाइज हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू ही जीरो होता है, ठीक है, जीरो नहीं पुट करोगे दैट मींस कुछ पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव आपका वन में ऐड होगा तो वन से बड़ा ही रहेगा हमेशा, बट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, क्या आएगा 0 प्लस 1, ये आपका आंसर होगा, कब, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 पे आपका ये 0 बनेगा, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 आएगा, ठीक है, तो यहां से भी देखो लैम्डा इक्वल टू 2, ये एक अप्रोच थी आपकी जाने की, और ये आपकी दूसरी अप्रोच है, ठीक है, सो ये आपकी मेथड सेकंड बोल सकते हो इस बार, और ये आपका मेथड 1, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है जब भी आपको ऐसे पूछा जाए कि लीस्ट वैल्यू आपको निकालनी है, लीस्ट वैल्यू कब मिलती है, या तो मैक्सिमम मिनिमा से जाओ, या फिर आप ऐसे कोई एक रिलेशन जनरेट करो जिससे आपको आइडेंटिफाई कर पाओ कि व्हाट विल बी द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, दैट मींस उसकी रेंज क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए, अगर वो आपको पता है दैट मींस आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन है वो ऑब्जर्व करना है ना, सो ये हो गए, चलिए और क्वेश्चन पुट करता हूँ, so these are two more questions, ठीक है, this is question number 5 and this is question number 6, ठीक है, so ये भी 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये उससे नेक्स्ट डे की क्वेश्चन है आपके, ना चलिए, तो आई थिंक ये 11th को जो भी शिफ्ट हुए थे उससे क्वेश्चन उठाए, अब देखो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से हैं, हार्डली 1 मिनट में और 1.5 मिनट में आप इन दोनों क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, ठीक है, इतना इजी है वो पूछा गया था ना, देखिए कैसे बनाना है इसको, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपके सामने एक इक्वेशन रखी हुई है 81x² + kx + 256 = 0 इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, देन वैल्यू ऑफ k, तब आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लेट्स से एक रूट अगर आपका अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा उसका क्यूब, तो अल्फा क्यूब ही होना चाहिए, हुआ ना,
चलिए अगर ऐसे रूट है आपके, तो यहां से इस इक्वेशन से हम क्या क्या कंडीशन लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब आपका क्या होगा, माइनस के बाई 81। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अल्फा और अल्फा क्यूब का मल्टीपल वो क्या होगा आपका सी बाई ए, दैट मीन्स 256 बाई 81। ठीक है, अब देखो यहां से आप इस चीज को ऑब्जर्व करो अच्छे से, सो यू विल गेट क्या, अल्फा और अल्फा ये आपका अल्फा टू द पावर 4 है, और यहां पे आपका क्या 256, 256 क्या होता है आपका 16 का स्क्वायर होता है ना, और ये 9 का स्क्वायर होता है। इसको मैं आगे और सिंपल कैसे लिख सकता हूं, 4 की पावर 4 और 3 टू द पावर 4, दैट मींस ये मेरा ऐसा है अल्फा टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4 बाय 2, 3 टू द पावर 4। तो यहां से अल्फा मेरा क्या आएगा, प्लस माइनस 4 बाय 3, प्लस माइनस क्यों आएगा, बिकॉज पावर आपका इवन है। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जब आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका रूट में आता है, लेकिन प्लस माइनस 2 आ जाता है ना, प्लस माइनस रूट 2 हो जाता है। तो ये होपफुली आपको बहुत ही बेसिक चीज पता होगी। तो वैसे ही आपका अल्फा क्या आएगा, प्लस माइनस 4 बाई 3 आएगा, अल्फा आ गया। किसका वैल्यू पूछा आपको, के का वैल्यू पूछा है, तो मैं अपने पास एक और रिलेशन है, इसमें अल्फा का वैल्यू पुट करके देखिए क्या पता आपकी बात बन जाए। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बन सकता है आपका, इधर यू विल चूज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे पुट करके देखते हैं, तो मान के चले पॉजिटिव वाला आपने चूज किया, तो 4 बाई 3 प्लस यहां पे क्या बनेगा, 4 टू दी पावर 3, दैट विल बी बिकम 64 बाई 3 स्क्वायर विल बिकम 27। कब, जब मैंने अल्फा का वैल्यू क्या लिया यहां पे, प्लस 4 बाई 3 लिया। ठीक है, तब आपका ऐसे बनेगा इस कंडीशन से, दैट विल बिकम माइनस के बाई 81। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एचसीएम कितना आएगा 27, सो दिस विल बिकम 9 × 4 = 36 प्लस 64 इक्वल्स टू माइनस के बाई 81। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, 100 बाई 27 है, 27 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 300। कब, जब आपका पॉजिटिव है, चलिए नेगेटिव होता तो क्या होगा, अब देखिए नेगेटिव आप पुट करोगे, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है आपका नेगेटिव, क्यों पावर ओल्ड है ना, तो रखिए चलिए रखिए देख लेते हैं, माइनस 4 बाई 3 इसका यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, अब नेगेटिव आएगा, क्यों, क्यूब है, क्यूब क्या है ओल्ड पावर है, ओल्ड पावर में नेगेटिव क्या होता है बाहर आ जाता है, तो माइनस 64 बाई 27 विल बिकम माइनस के बाई 81। कुछ भी चेंज नहीं होगा, नेगेटिव लेते ही मेरा ये बन जाएगा, नेगेटिव मैंने जैसे ही कॉमन लिया इसमें से नेगेटिव जैसे मैं कॉमन लूंगा, ये आपका 4 बाई 3 बनेगा प्लस 64 बाई 27 बनेगा, ये आ गया आपका। इसका वैल्यू कितना है अभी अपना, 100 बाई 27 आया, तो वो सीधे लिख रहा हूं मैं, 100 बाई 27 दिस इज इक्वल टू माइनस के बाई 81। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट होगा, तो यहां से के का वैल्यू कितना आएगा, 300। ठीक है, तो के दो वैल्यू आएंगे, फर्स्ट वैल्यू होगा माइनस 300, सेकेंड वैल्यू होगा 300। ठीक है, अब चेक कर लो कौन से ऑप्शन में गिवन है, माइनस 81 100 माइनस 300। ठीक है, एक तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, एंड ऑब्वियस सी बात है जेई मेंस है, दैट मींस सिंगल करेक्ट ही आपसे पूछ रहा है, अभी सिंगल करेक्ट हो रही इंटीजर टाइप का ही, दैट मींस उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 300, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 6 वाला। तो इसमें भी देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे यूज कर रहा है इस क्वेश्चन को, देखिए क्या बोल रहा है, All x satisfying the inequality, odd inverse है ये, odd inverse x square minus 7, odd inverse x plus 10 greater than 0 lie in the interval। ठीक है, तो ये बेसिकली आप चाहो तो इसको इनवर्स ट्रिगो से भी कनेक्ट कर सकते हो और क्वाड्रेटिक से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो, बेसिक सा ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। चलिए देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे देखने पे आपको क्या दिख रहा है, इस साइड तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है ना, एक बार इनइक्वालिटी को भूल जाओ, ये क्या है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपका फंक्शन नहीं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ये, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इस क्वाड्रेटिक का आपका क्या 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 वैल्यू ले सकता है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले।
सो लेट से कोट इनवर्स एक्स को मैं मान के चलिए टी बोल देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहां से ये मेरा क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये पॉजिटिव रहना ही चाहिए, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी में मैं इधर वाला एक्सप्रेशन चेक कर लेता हूँ, इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो आप बताइए इसको मैं कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, माइनस 5t माइनस 2t, 70 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आप 10t स्क्वायर आ रहा है, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से देखो क्या लेके आएगा अपना, टी माइनस 5 आएगा, एकदम यहां से टी कॉमन होगा टी माइनस 5 आएगा, यहां से माइनस 2 कॉमन लूंगा तो टी माइनस 5 आएगा, तो यहां से माइनस 2 और यहां से टी, वो आपका सेकेंडरी फैक्टर हो जाएगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखो टी की दो वैल्यू, अगर आप एक्सप्रेशन चेक करना चाहो तो दैट मीन्स कोट इनवर्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है, कोट इनवर्स एक्स, टी आपका क्या था, कोट इनवर्स, एक तो 5 आ रहा है, एक कोट इनवर्स एक्स 2 आ रहा है, इन दो पे मैं चेक करता हूं। तो चेक करने का क्या तरीका होता है, बेस पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, तो यहां पे 2 यहां पे 5। अब देखिए दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है, पॉजिटिव, दैट मींस हाईएस्ट कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या चाहिए अपने को, ये अपने को इनइक्वालिटी बताता है कि अपने को कौन सा रीजन चाहिए, अपने को रीजन चाहिए पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करना पाई को, दैट मींस इस साइड रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा और इसका इस साइड, तो इन दोनों को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि कोट इनवर्स एक्स लेस देन 2 है, इससे क्या लिख सकता हूं, कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है, और इससे क्या लिख सकता हूं, कोट इनवर्स एक्स से ग्रेटर देन 5, ठीक है। बट उसने देखो किसमें पूछ रखा आपसे, कोट के टर्म में आंसर पूछ रहा है, मींस इनवर्स से मेरे को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको बेसिक सा आइडिया है, तो क्या करो दोनों साइड कोट लगा दो, कोट कोट इनवर्स एक्स इक्वल लेस देन कोट 2, कोट कोट इनवर्स एक्स से ग्रेटर देन कोट 5। अभी ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, या लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो अपन ग्राफ से बताते हैं कि जब कन्वर्ट हो रहा है तब आपका इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, दैट मींस कोट इनवर्स फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर कोट इनवर्स फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है दैट मींस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। अब देखिए कोट इनवर्स का जो बेसिक सा ग्राफ होता है वो आपका देखो कैसे आता है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहां पे आपकी लाइन होती है पाई की, ठीक है, पाई, और यहां पाई बाय 2 होता है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, एक्चुअल में ऐसे से होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करोगे ना तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो कैसे पता लगाते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपन पता लगाते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तब आपका ग्राफ का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। अगर ग्राफ का बिहेवियर ऐसा है कि वो इंक्रीजिंग वैल्यू ले रहा है, मतलब बढ़ती वाई की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तब आपका क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बट लेफ्ट से राइट जा रहे हो आपको नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है, नेगेटिव आपको क्या आ रहा है, वैल्यू कम होती भी जा रही है, तो आपका क्या हो रहा है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो यहां से देखिए लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं तो मेरा एरो साइन मेरे को क्या सजेस्ट कर रहा है, यू विल फाइंड दैट एरो साइन सजेस्ट कर रहा है कि इसका वैल्यू वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, दैट मींस कोट इनवर्स एक्स किस टाइप का फंक्शन बन गया, डिक्रीजिंग। तो कोट इनवर्स एक्स किस टाइप का फंक्शन है, डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो जहां आपका नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है आपका बन जाएगा नेगेटिव। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता था तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई महाभारत नहीं है ना,
दिक्कत आती है यहाँ पे, अगर आपको बेसिक सा नॉलेज है, ग्राफ के बारे में आइडिया, आपको आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको कोई हार्डली टाइम नहीं लग रहा, यहाँ तो कुछ भी टाइम नहीं लग रहा, आप इजीली फैक्टर कर सकते हो। दिक्कत आती है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आपको बच्चे कितनी फास्ट कैलकुलेशन बनाओ, आप कैसे आंसर करोगे इसको, है ना। तो इस यहाँ से आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोट इनवर्स लेस देन 2 है, सो दिस विल बिकम कोट इनवर्स ग्रेटर देन 2 एंड दिस विल बिकम, सॉरी दिस विल बिकम x, मैं चेंज कर रहा हूं ना अभी, तो x विल बी ग्रेटर देन कोट 2, ठीक है, चेंज कर रहा हूं, कोट को इधर लेके गया, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में तो साइन चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव लेस देन था तो मैंने ग्रेटर देन कर दिया उसको, ठीक है, और x आ गया यहां से, तो x ग्रेटर देन कोट 2 होगा, और यहां से आपका x क्या होगा, ग्रेटर देन कोट 5, ठीक है। अब इन दोनों का जब मर्ज करोगे आप तो आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या क्या आएगा आपका, जो पूछा है उसने, ऑल x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, सेटिस्फाई करवा दिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है, लाई इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में लाई करेगा, ये बोल रहा है कि कोट ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे से रिप्रेजेंट करना चाहो हल्का सा, कि मान के चलिए आपका कोट 2 है और ये आपका कोट 5 है, ठीक है, तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब याद रखना कोट 5 और कोट 2 कौन बड़ा होगा, क्या ये मेरा ऐसे ही रहेगा या उल्टा चेंज हो जाएगा। देखो नीचे की तरफ जा रहा हूं, x का वैल्यू जैसे बढ़ रहा मेरा वैल्यू कम होते जा रहा है, दैट मींस ये आपका क्या होगा कोट 5 होगा, ये आपका कोट 2 होगा। अब देखो आपको क्या करना है, x सॉरी दिस विल बी लेस देन है, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा ना, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहां से देखो आप क्या आ रहा है, पॉजिटिव इस साइड और ये नेगेटिव इस साइड, ठीक है, तो आपको x कहां से कहां मिलेगा, माइनस इंफिनिटी टू कोट 5 यूनियन कोट 2 टू इंफिनिटी, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपने, माइनस इंफिनिटी टू कोट 5 ये है, बट यहां पे कोट 4 है तो ये रिजेक्ट हो गया, सॉरी ये नेगेटिव नहीं है ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी टू कोट 5 एंड कोट 2 टू कोट इंफिनिटी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जाना था इस क्वेश्चन में, तो अगर आप बहुत ही बेसिक सा अगर आपको अप्रोच पता है ये वाली, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बना सकते थे, ठीक है। सो यही था आपका, होपफुली आपको आइडिया लगा होगा अच्छे से, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश की और कुछ क्वेश्चन बनाने की और कोशिश करेंगे, बोलना अभी।